So, कैसे हो भाई लोग, स्वागत है ड्रॉप इन पर के एक और न्यू एपिसोड में। भाई आज हम बात करने वाले लगभग 13 चीजों के बारे में जो क्लैश ऑफ क्लैंस में आने वाली है इस 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। तो भाई जो पहला चीज है जो आने वाली है वो है आर्केड गेम। तो ऑब्वियसली आर्केड गेम आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी तक आर्केड गेम अगर ओपन करोगे तो भाई अभी तक सिर्फ दो गेम आई है, एक है क्लैश, एक है क्लैश डैश। बट थर्ड गेम आने वाली है जो 31st को आएगी शाम को बिल्कुल 7:30 आएगी आपको एक और गेम जो क्लैश क्रेडल ऑफ डार्कनेस गेम है। वो गेम इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, मैंने देखा था इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, स्किन पर देख लेना। इस टाइप की गेम आने वाली है जो शाम को 7:30 बजे आ जाएगी, लगभग 31 तारीख को। ये वीडियो मैं खुद 31st को पोस्ट कर रहा हूँ तो शाम को तुझे मिल जाएगी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आने वाली है भाई वो है पार्टी चैंपियन। तो भाई अभी तक हमारे पास हर एक की स्किन आ चुकी है, अब बस एक स्किन बची हुई है, वो है पार्टी चैंपियन। तो भाई पार्टी चैंपियन के मैंने कल भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था, तुम लोगों ने देखा नहीं जाकर चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो और चेकआउट कर लेना। ओके ओके, और जो पार्टी चैंपियन स्किन है ये देख लो स्क्रीन पर, ये वाली पार्टी चैंपियन है। ये जो चैंपियन स्किन है ना वो तुमने अगर सब्वे सर्फर खेला होगा तो रिलेट कर सकते हो। ये यहाँ पर एक फ्रेम का नाम था, इसका पता नहीं मुझे, इसकी बहन लग रही है मेरे को। ओके, इसकी बिल्कुल एक कॉपी बहन लग रही है जो क्लैश ऑफ क्लैंस में आई है, या फिर उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये स्किन बनाया। ओके, तो बिल्कुल कॉपी स्किन है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आने वाली है फ्री सीनरी। तो हमने यहाँ पर एक जंगल सीनरी हमने टाउन हॉल 14 पे मिला था, आप लोगों को याद है ना, इस सीनरी पे गए। हाँ, ये जंगल सीनरी है, इसी टाइप की एक सीनरी आ रही है, पर वो सीनरी थोड़ी अलग रहेगी। बट जो वॉल्स है, जो बाकी बिल्डिंग्स है ना जहाँ पर हमारी ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी रहने वाली, ये चेंज नहीं होने वाली। ओके, क्योंकि भाई फ्री में वो इतना चीज़ नहीं देने वाला, वो बस सिर्फ आउटलाइन चेंज करने वाला है जो बॉर्डर एरिया। जैसे यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर एक स्टैचू आने वाला है, हॉलीवुड की स्टैचूज देखा तुम लोगों ने जहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन होता है, एक इस टाइप की स्टैचू तुम लोगों को याद है ना, इस टाइप का स्टैचू आने वाली है जो यहाँ पर प्लेस होगी बारबेरियन की। जैसे यहाँ पर सोच लो जहाँ बोट है, यहाँ पर जो सिप है, यहाँ पर तुम्हारा आरसी होगा, रॉयल चैंपियन होगा, आरसी रॉयल चैंपियन एक ही है किंग होगा, क्वीन होगा, यहाँ पे गोल्ड पास के लोगो होगा। अब प्लस ये साइड में जाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो बैटल मशीन है बीबी का, बिल्ले बेस का, वहाँ पर यहाँ पर बैठा रहेगा। इस टाइप की एक सीनरी आ रही है, बाकी सिर्फ आउटर लेयर चेंज है और इनर सेम है। तो भाई ये फ्री है, फ्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टाउन हॉल 14 को मिलेगा, भाई हर एक टाउन हॉल को मिलने वाला है। टाउन हॉल 1 से लेकर जितने टाउन हॉल है 14 तक सबको मिलने वाला। उसके बाद एक पिक्सल सेट। तो भाई एक बात चल रही है पिक्सल सेट के बारे में, तो पिक्सल सेट जो है ना वो क्लैश ऑफ क्लैंस में भी आने वाली है, जिसमें आपको बेसिकली पिक्सल सेट का सीनरी देखने मिलेगा मनी परचेज के लिए। ऑब्वियसली फ्री में नहीं मिलेगा, एक पिक्सल सेट का सीनरी आएगा और प्लस हीरो स्किन्स आएंगे जिसमें किंग क्वीन या फिर और कोई हीरोस हो सकता है पिक्सल रिलेटेड। जैसे तुम्हारा माइनक्राफ्ट है ना, बिल्कुल सेम टाइप की स्किन्स एक आने वाली है मनी परचेस में। उसके बाद सीजनल ट्रूप आने वाली है, जैसे मैंने कहा था हर एक वीडियो में पार्टी विजर्ड है और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं स्केलेटन बैरल है, प्लस एल प्रीमो हो सकता है, और प्लस एक और ट्रूप थी बैटल रैम। ये चार ट्रूप है, चांसेस है इनके आने के लिए। उसके बाद आती है भाई वन जेम रिसोर्स बूस्ट। जो वन जेम रिसोर्स बूस्ट क्लैश ऑफ क्लैंस में 2 या 3 तारीख को आ जाएगी, जिससे आप वन जेम में जितने भी रिसोर्सेज है आपके सारे को बूस्ट कर पाओगे, जैसे हमारा गोल्ड माइन, एलिक्सर कलेक्टर या डार्क एलिक्सर। भाई दूसरा है हमारा वन जेम ट्रूप डोनेशन। तो वन जेम ट्रूप डोनेशन भी आने वाला है लगभग 7 दिनों के लिए, यहाँ पर दे सकते हो। मैंने जैसे कहा यहाँ पर आ चुका है वन जेम रिसोर्स बूस्ट तुम्हारा ऑलरेडी आ चुका है क्लैश ऑफ क्लैंस में, जो 2 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज 31st है, मतलब 2 तारीख को दोपहर को आपको स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वन जेम ट्रूप डोनेशन भी आने वाला है, यहाँ पर शो नहीं करेगा बट वो भी आ जाएगा। मैंने सोचा नहीं था यार कि वन जेम ट्रूप बूस्ट आएगी, मैंने बस अपनी लिस्ट निकाली पढ़ रहा था, यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, तो भाई टेंशन मत लेना, वन जेम ट्रूप डोनेशन भी आने वाला है। उसके बाद जो चौथा है भाई 4x स्टार बोनस, वो भी आएगा। उसके बाद हमारा एक और चीज़ है जो चैलेंज होती है ना, जो हर अपडेट में आती है, तो यहाँ पर एक चैलेंज आने वाला है, लगभग 11 चैलेंज है। ये जो हमारा इवेंट का बटन है ना, इसके बटन के बगल में एक बटन आएगी सील्ड टाइप की, जहाँ पर टाइप करोगे तो एक इवेंट्स आएगी। टोटल 11 इवेंट्स होने वाला है, चैलेंजेस होने वाले, बेस होने वाले, जिसमें आपको गोल्ड एलिक्सर डार्क एलिक्सर प्लस उसमें आपको रिसोर्सेज नहीं मैजिक आइटम्स मिलेंगे, जैसे आपका वॉल ऑफ रिंग्स, सोबेल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, बुक ऑफ बिल्डिंग, बुक ऑफ एवरीथिंग, और फिर बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे चैलेंज में। उसके बाद भाई न्यू लोडिंग स्क्रीन है जो वो भी आने वाली है, तो भाई न्यू लोडिंग स्क्रीन आपको मिल जाएगा 2 तारीख तक। उसके बाद एक फ्री स्टैचू मिलने वाली है, जो आपके गोल्ड पास में अगर जाओगे सिल्वर सेक्शन में, तो आपको सिल्वर सेक्शन में सबसे फर्स्ट में यहाँ पर स्टोर होती है, आप याद है, यहाँ पर मिल जाएगी फ्री में। तो भाई 10th एनिवर्सरी की केक आने वाली है जो रेड कलर में होगी, जिसमें एक बारबेरियन पॉप आउट होगा। उसके बाद भाई लास्ट में आती है ट्रेडर डील। तो भाई स्पेशल ट्रेडर डील आने वाली है, 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी लगभग,
एक बजे की तरफ से। तो यहाँ पर अगर जैसे हम ट्रेडर डील में जाए ना, ये जो हमारा देख सकते हो ट्रेडर डील जो है, रेड मेटल है, ये जेम्स, ये ट्रेडर, जो भी ट्रेडर डील होता है भाई, ये भी आने वाला है लगभग। तुम्हें 7 दिनों के लिए काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई यही सारी चीज़ें जो मैंने लिस्ट बनाई है जो क्लैश ऑफ क्लैंस में आने वाले हैं जल्द से जल्द। वीडियो कैसी लगी जिसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन पीस आउट। और एक और चीज़ यार, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो भाई।